नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में वस्त्र उद्योग को बढ़ाने की तैयारी। बिहार में खेल को बढ़ावा देने की सरकार की ये पहल। 4 अगस्त को ऑफलाइन मोड में होगी गणित की टैलेंट सर्च परीक्षा। आज 27 जिलों में 312 केंद्रों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन। मोहम्मद सामी ने विराट कोहली और रवि शास्त्री पर खड़े किए सवाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी। बिहार में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कई तैयारियां कर रही है। इसी बीच बेगूसराय में रेशम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एरी सिल्क का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। बिहार में कच्चे माल की उपलब्धता के साथ ही कुशल श्रमिक भी हैं, जो वस्त्र उद्योग के निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस संबंध में नीतीश मिश्रा ने बताया कि भागलपुर में रेशम का कारोबार लंबे समय से चल रहा है, इसे और बढ़ाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी केंद्रीय रेशम बोर्ड से मिली है। साथ ही एरी सिल्क के उत्पादन की सहमति भी प्रदान की गई है। आगे उन्होंने निवेशकों को यहाँ आने का आमंत्रण भी दिया है, ताकि वे भी यहां के बड़े बाजारों का फायदा ले सकें। आज 27 जिलों में 312 केंद्रों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का हुआ आयोजन। बीते दिन तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 8 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ये सभी दूसरी की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। इसकी सूचना आयोग द्वारा दी गई है। पहले दिन इस परीक्षा में कुल 71% परीक्षार्थी मौजूद रहे। आज भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है। आज की परीक्षा कक्षा 1 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए हुई। परीक्षा का आयोजन एक पाली में देखने को मिला। परीक्षा का आयोजन 12 बजे से 2:30 बजे तक हुआ। परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले प्रवेश दिया गया था। परीक्षा 27 जिलों के 312 केंद्रों पर आयोजित हुई है। 22 जुलाई को 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के तहत कुल 87,774 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बिहार में 30,000 मरीजों पर उपलब्ध है एक डॉक्टर। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या आबादी के मुताबिक कम है। करीब 45% स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के स्वीकृत पद खाली हैं और कार्यरत डॉक्टरों की संख्या महज 55% है, जिसके कारण डॉक्टरों पर भी काफ़ी दबाव देखने को मिलता है। एक डॉक्टर को हर महीने हजारों मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर आदर्श स्थिति मानी जाती है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानक से भी देश में डॉक्टरों की संख्या कम है। देश में डॉक्टरों की संख्या करीब 14 लाख होनी चाहिए, लेकिन केवल 11 लाख डॉक्टर ही देश में मौजूद हैं। वहीं बिहार में डॉक्टर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यहां 2700 की आबादी पर एक डॉक्टर मौजूद है। वहीं निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों को मिलाकर हिसाब देखें तो 30,000 मरीज पर केवल एक डॉक्टर ही उपलब्ध है। 4 अगस्त को ऑफलाइन मोड में होगी गणित की टैलेंट सर्च परीक्षा। 4 अगस्त को ऑफलाइन मोड में टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंस बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से आयोजित होगा। इस परीक्षा में 6ठी से 12वीं तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में प्रथम पाली में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। वहीं दूसरी पाली में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बच्चे जूता मोजा नहीं पहनकर आएंगे। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना होगा। 24 जुलाई को बिहार बोर्ड प्रवेश परीक्षा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बिहार के खिलाड़ियों को राज्य सरकार की तरफ से मिली खुशखबरी। बिहार में खिलाड़ियों को बिहार सरकार एक से एक अच्छे मौके दे रही है। बिहार सरकार द्वारा 382 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 200 पदों पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें राजगीर खेल अकेडमी में 48, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला के लिए 152 प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इस संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने कहा है कि ये बिहार के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। पटना और गया से नई दिल्ली के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेनों में फेरे में हुआ विस्तार। पटना और गया से नई दिल्ली के लिए चलाई जा रही क्लोन स्पेशल और पटना दानापुर से आनंद विहार के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार हुआ है, ताकि यात्रियों की भीड़ को राहत मिल सके। इसमें पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट क्लोन एक्सप्रेस स्पेशल अब 2 अगस्त से 30 सितंबर तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को छोड़कर चलाई जाएगी।
ये पटना से 8:10 पर प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 12:10 पर नई दिल्ली पहुंचती है। नई दिल्ली पटना सुपर फास्ट क्लोन एक्सप्रेस स्पेशल 3 अगस्त से 1 अक्टूबर तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को छोड़कर चलाई जाएगी। ये नई दिल्ली से दोपहर के 1:20 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7 पटना पहुंचेगी। गया आनंद विहार सुपर फास्ट क्लोन एक्सप्रेस स्पेशल अब 1 अगस्त से 30 सितंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को छोड़कर चलाई जाएगी। इस दिन तक 6 अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा पूरा। तारा मंडल के सभागार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हरी सहनी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में ये बात सामने आई है कि इस साल के दिसंबर तक बिहार में 6 अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इन भवनों का निर्माण जैसे जैसे पूरा होगा फिर संबंधित विद्यालय को इस नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस बैठक में मंत्री हरी सहनी ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में विभाग के स्तर से संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बिहार में खेल को बढ़ावा देने की सरकार की ये पहल। बिहार स्टूडेंट जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग में शुक्रवार को हुआ। इसका शुभारंभ करने खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन, बिहार एथलेटिक्स संघ के सचिव लियाकत अली और सचिव पंकज कुमार राज ने किया। ये आयोजन 21 जुलाई तक देखने को मिलेगा। आयोजन में पहुंचे मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि सरकार खेल को प्रदेश में बढ़ावा दे रही है। सरकार की हर पंचायत में खेल क्लब खोलने की योजना है। हर ग्राम पंचायत में खेल की मैदान की व्यवस्था होगी। जिन पंचायतों में मैदान नहीं है वहां जमीन अधिग्रहण कर खेल का मैदान उपलब्ध करवाया जाएगा। पटना के बेऊर जेल की बढ़ी सुरक्षा। जेल की सुरक्षा में अब नहीं हो सकेगी सेंधमारी। पटना के बेऊर जेल में सुरक्षा के मद्देनजर चार दीवारी को और ऊंचा कर दिया गया है। बेऊर जेल के अधीक्षक विभू कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बेऊर जेल जिस क्षेत्र में है ये घनी आबादी है, जिस वजह से चार दीवारी के बाहर से प्रतिबंधित पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक सामान अंदर फेंकने और कैदी की सुरक्षा पर संकट रहता था, लेकिन चार दीवारी के ऊंचा होने से अब इसकी चिंता दूर हो जाएगी। कोई भी जेल की सुरक्षा में सेंधमारी नहीं कर सकेगा। दीवार को ऊंचा करने के साथ ही हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे मूवेबल हैं। पहले यहाँ कैमरों की संख्या 41 थी, अब इनकी संख्या 470 कर दी गई है, जिससे कैदियों के साथ यहाँ तैनात कर्मचारियों पर भी नजर रखी जाएगी। नेपाल बॉर्डर पार कर अवैध तरीके से भारत आने वाले 3 विदेशी हुए गिरफ्तार। एसएसबी ने नेपाल की सीमा को अवैध तरीके से पार कर भारत में प्रवेश करने वाले 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन 3 नागरिकों में 1 पाकिस्तान और 2 नेपाल के हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एसएसबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि पाकिस्तानी नागरिक की दुबई में एक सुरक्षा कंपनी है और वो नेपाल के लोगों को काम पर रखता है। इसी सिलसिले में वो नेपाल आया था। कहीं जाने के दौरान उनकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई और उन्होंने भारत नेपाल सीमा के पानी टंकी में गाड़ी को ठीक कराने का फैसला किया और तभी भारत की सीमा पर पार करते समय वो पकड़े गए। आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी के बाद और भी कई बड़े अधिकारी ईडी की रडार पर। गुरुवार को ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को पूरा कर लिया है। संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ठिकानों से बरामद किए गए दस्तावेज और अन्य कई कागजातों से बड़ी लेनदेन से संबंधित हिसाब किताब का खुलासा हुआ है। इस लेनदेन के हिसाब किताब में प्रदेश के और भी कई आईएएस समेत अन्य पदाधिकारियों का भी पता चला है, जिसमें कुछ सीनियर अधिकारी का नाम भी सामने आया है। इन अधिकारियों के सीधे खाते में या इनके करीबियों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब इस मामले को लेकर ईडी आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। आज बिहार सरकार के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निकाली आक्रोश मार्च। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आक्रोश मार्च निकाला है। इस आक्रोश मार्च में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। पटना की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे ताकि इन्हें रोका जा सके, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसे भी तोड़ दिया। इस दौरान सभी ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर विपक्ष की पार्टियों ने तय किया है कि आज वे प्रतिरोध मार्च निकालेंगे।
विधान परिषद में राबड़ी देवी बनी विरोधी दल की नेता। बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर से विरोधी दल की नेता बनी है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र के जरिए राबड़ी देवी को विरोधी दल का नेता बनाने के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद राजद की इस मांग को सभापति ने सहमति दे दी है। इसे लेकर विधान परिषद द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। मुकेश सहनी के पिता के मर्डर मामले में तीन और आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने मुकेश सहनी के पिता के मर्डर मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सितारे, छोटे लहरी और आजाद का नाम शामिल है। इसमें पहले इस मामले में काजीम को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार देर शाम इन गिरफ्तारियों को लेकर SSP जगुनाथ रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सितारे ने जीतन सहनी से 20,000 रुपये सूद पर लिए थे। इस सूद के एवज में जीतन सहनी ने सितारे की बाइक और कागजात गारंटी के तौर पर लिए थे। वहीं छोटे लहरी ने जीतन सहनी से 6,000 रुपये लिए थे। इस 6,000 के एवज में जीतन सहनी ने इनके जमीन के कागजात रखे थे। आगे SSP ने बताया कि इस मर्डर कांड में घटनास्थल वाले घर से प्लास्टिक के 38 खाली पॉलिथीन बरामद किए गए हैं। प्रथम दृष्टया में ऐसा लग रहा है कि इसे शराब का सेवन कर फेंका गया हो। मोहम्मद शमी ने विराट कोहली और रवि शास्त्री पर खड़े किए सवाल। साल 2019 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं मिलने पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सवाल खड़े किए हैं। शमी ने इसे लेकर कहा है कि सेमीफाइनल से पहले तीन मैचों में 3 विकेट लिए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उन्हें फिर ड्रॉप कर लिया गया था। उस वक्त विराट कोहली टीम के कप्तान थे और रवि शास्त्री हेड कोच थे। भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, हालांकि वो न्यूजीलैंड से हार गया था और वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भारत का टूट गया था। उन्होंने कहा, एक सवाल मेरे दिमाग में भी रहता है, हर टीम को वो खिलाड़ी चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है, जो 3 मैचों में 13 विकेट लिए थे, और क्या लोगे आप? मेरे पास ना सवाल है और ना ही इसका जवाब। मुझे मौका मिलेगा तभी मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, मैं अपनी स्किल्स तभी दिखाऊंगा जब मेरे हाथ में गेंद होगी। आपने मुझे मौका दिया, मैंने 3 मैचों में 13 विकेट ले लिए, फिर न्यूजीलैंड से हारे थे हम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब धन के नाम है सादुल्लाह पालवी, वरुण कुमार, विकास कुमार, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, छोटू राजा, गोनर शर्मा, नौसाद राजा, नितेश कुमार, नौसाद राजा, विजेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, चंद्रमणि कुमार, राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके मुताबिक बिहार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।